नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डेलो पब्लिक विद्यालय परिवार की तरफ से ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। आप अपने घर पर रहकर पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ संख्या 1 की जो कविता है वो हमने पढ़ी थी, ईश्वर की, ईश्वर ने क्या क्या बनाया है। इसके बाद में दूसरे पेज पर यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं, जगत, संसार, दुनिया, उपजाऊ, अच्छी फसल देने वाली जो भूमि होती है उसको उपजाऊ कहा जाता है, ठीक है। गगन, आकाश या आसमान, नभ, निशी, दिन, निशी और दिन, तो दिन और रात, ठीक है। यहाँ पे अर्थ को परिवर्तन किया गया है, निशी से रात पहले आता और बाद में दिन, रात दिन, ठीक है। मौखिक आपके जो प्रश्न है अभ्यास में, आप देखेंगे कविता को उचित भावाभ्यक्ति एवं लय के साथ प्रस्तुत कीजिए कि जो आपको कविता दी गई है आपकी पुस्तक में उसको उचित लय और भावों के साथ आपको क्या करना है, उसको गाना है, ठीक है, एक कविता के रूप में। निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, सूरज और चंदा। सूरज यानी सूर्य जो हमें क्या करता है, रोशनी देता है। इस संसार से जो अंधेरा होता है उसको क्या करता है, गायब करता है, दूर भगाता है अंधेरे को, ठीक है। पूरी प्रकृति या जो भी जड़ पदार्थ हैं सभी को क्या, सूरज के प्रकाश प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी फसलें ही देखें आप, अगर उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो क्या होती हैं, वो फसलें अच्छी नहीं हो पाती हैं, अर्थात मुरझा जाती हैं, अपनी वृद्धि नहीं करती हैं। ऐसे ही चंदा जो रात को अपनी चांदनी बिखेरता है, ठीक है, दोनों शब्द हैं। लिखित है जो प्रश्न हैं आपके, ये आपके प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सारा जगत किसने बनाया, आपने कविता पढ़ी है कि जिसने सारा जगत बनाया, किसने, ईश्वर ने, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न है, सारा जगत किसने बनाया है, सारा जगत ईश्वर ने बनाया है। तारे कहाँ चमकते हैं, तारे कहाँ चमकते हैं, तारे आसमान में चमकते हैं। हमें ईश्वर से क्या क्या मिला है, तो हमें ईश्वर से पूरी प्रकृति में जो भी दिखाई देता है, पर्वत, पेड़, पहाड़, चंदा, सूरज, आसमान, पृथ्वी, सब कुछ जो है वो हमें किससे मिला है, ईश्वर से मिला है। धरती किससे सजी है, एक लाइन आपने कविता में पढ़ी होगी, जिसने फल फूलों से, फल और फूल हैं उनसे हमारी पूरी धरती क्या है, सजी हुई है। प्रश्न संख्या 2 लिखित का देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के क्या कर लिखने हैं, अर्थ। जगत, जगत का अर्थ होता है संसार, ठीक है। गगन, गगन यानी आसमान। उपजाऊ, उपजाऊ वह भूमि जिस पर क्या फसल उगा सकते हैं उसे उपजाऊ कहा जाता है। निशी, दिन, निशी का अर्थ होता है रात और दिन का, दिन, दिन, रात, रात, दिन। आठ से अपेक्षित निष्कर्ष, विद्यार्थी कविता को पूरे भाव के साथ गा सके और उसके अर्थ को समझकर ईश्वर का महत्व तो समझे कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा और आपके लिए आसान सा पाठ था जो आपने पढ़ा। इस कविता को आप अच्छे से याद करेंगे और अपने परिवारजन को सुनाएंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं जो आपको बताए गए हैं ये आप होमवर्क में करेंगे और फिर अपने विषयाध्यापक को भेजेंगे। इस तरह आपका एक पाठ यहाँ पे पूरा होता है। इसके प्रश्नांश उत्तर कंप्लीट और इस कविता को लय के साथ आपको गाना है, याद करना है। कहने से आशय ये है कि पूरा पाठ आपको कंप्लीट आना चाहिए। इस तरह आप लगातार पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।